नवागत जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सुबह से ही मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक व माध्यमिक, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बेसिक व माध्यमिक में मुख्य शिक्षा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी दर्शन सिंह, प्रशासनिक अधिकारी अशोक वैद्य, प्रधान सहायक दीपक सैनी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महेश मै ठाणी अनुपस्थित पाए गए। जबकि 10:25 पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कार्यालय निरीक्षण के दौरान जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत व डेटा एंट्री ऑपरेटर गौरव उप्रेती अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित पाए गए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन रोकने व स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। बता दें, जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अधिकारी व कर्मचारी समय से कार्यालय पहुंचना सुनिश्चित करें। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। देखिए, मेरा ये दृढ़ मानना है कि अधिकारियों को जो समय नियत है समय से कार्यालय में आना चाहिए और समय से ही जो है कार्य संपन्न करने चाहिए। अगर अधिकारी समय से कार्यालय नहीं पहुंचेंगे तो उनका स्टाफ भी समय से नहीं पहुंचेगा। अगर स्टाफ समय से नहीं पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर आम जनता को दिक्कत होगी। वो लोग आएंगे और कोई अधिकारी बैठा नहीं होगा तो उन्हें समस्या होगी। इसलिए मेरा मानना यह है कि सभी को समय से कार्यालय पहुंचना चाहिए और अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आज 2-3 कार्यालयों में गया था और उसमें 2 अधिकारी अनुपस्थित भी मिले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हूँ और जो उनके अधीनस्थ अनुपस्थित थे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उनको लिख रहा हूँ। निश्चित तौर पर इसी तो शुरुआत है। अभी हमारा मानना यह है कि सबसे पहले अधिकारी स्वयं ठीक रहे। अधिकारी जब खुद समय से पहुंचेगा तब दूसरों को टोक पाएगा। तो अभी हमने कार्यालय देखे हैं, उसके बाद नीचे हम विद्यालयों को भी देखेंगे, बाकी चीज़ों को भी दुरुस्त करेंगे, हर चीज़ को धीरे धीरे एक करके टिकअप करेंगे।